मैं तो यही सोचती कि मेरी ड्रीम पूरी हो गई है। संजय सर और मानसी मैम का मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म दिए हम लोग को काम करने का मौका मिला है, जो ट्रांस मॉडल एक्टर लोग को जल्दी मिलती नहीं है मौका, है ना। जो इतने बड़े मूवी या टीवी सीरियल जो भी होते हैं, तो आज के दिन में जो एक्टर होते हैं वही ट्रांसमेंट बन के काम कर रहे हैं, और हम इतने ब्यूटीफुल एक्टर हो के भी हमको मौका जल्दी मिलता नहीं है। तो मानसी मैम ने, संजय सर ने हम लोग को इतना बड़ा मौका दिया है, प्लेटफॉर्म हमको काम करने का दिए, तो मैं इनको तो थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। और हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है ये मास टी वी ऐप के लिए, कि हमारा जो हर जगह में कहीं भी जाके देखो सोशल मीडिया में हर जगह में अभी हमारा इस ट्रेंडिंग चल रही है प्रोजेक्ट एंजल का। सो प्लीज़ आप लोग जो जो ऐप डाउनलोड नहीं किए तो आप लोग एंड्रॉयड में भी है, आईफोन भी, तो डाउनलोड के लीजिए मास टी वी ऐप। और सब प्लीज़ हम लोग रियलिटी शो देखो, ट्रांस वुमेन के ऊपर है, हम लोग ने इतना अच्छा शूट किया, इतनी इन्जॉय करके, तो सोचो आप लोग कितनी इन्जॉय करोगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करोगे, और बहुत अच्छी अच्छी प्लेटफॉर्म है हम लोग के लिए, जो इंडिया में फर्स्ट रियलिटी शो जो ट्रांसजेंडर के ऊपर बनी है। हाँ ऐसा ही है, पर जैसे रोल होते वैसे हमारे लुक भी चेंज होती है, बट बहुत इंजॉय किया। जो हम ट्रांसवुमेन नाइन ट्रांसजेंडर थे वहाँ पे, जो हम सब साथ में मिल के काम किए, बॉन्डिंग भी हमारी अच्छी बन गई, हम लोग साथ में मिल के काम किए, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे लेते हैं, हम एक दूसरे के बारे में बता रहे थे, और वहाँ पे जाके मुझे बहुत कुछ सीखने भी मिला है, और मैंने बहुत कुछ सीख के भी आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें ब्यूटी में ब्यूटी हो जाती है, ब्यूटी जो एक दूसरे पर कॉम्पिटिशन होने लगा था कि वो ब्यूटीफुल है तो उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल मैं बन के दिखाऊँ, ऐसा हो रहा था। और वहाँ पर बहुत कॉम्पिटिशन टफ भी थी, और कभी कभी मतलब कुछ कुछ बातों पे ऐसा हर्ट भी होते हैं, कभी कभी इतनी खुशी भी मिलते हैं, पर बाद में हम सब एक हो गए और हम अच्छे से एकदम कॉम्पिटिशन किए। किससे सर? इसके नहीं, इससे इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो सकते हैं और कनेक्ट करेंगे। मिसाल एक मिनट, हाँ, तो लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ जो ये प्रोजेक्ट से कनेक्ट करें और कनेक्ट करो और हम लोगों को सपोर्ट करो, है ना। हम भी इंसान हैं, हमको भी मौका दो, हमको भी काम करने का मौका दो, हम भी काम करें, और इतने ब्यूटीफुल एक्टर है जो उनको भी मौका दिया जाए। मैं भी मास टी वी ऐप में भी काम करी, तो मैं चाहती हूँ बॉलीवुड बड़े पर्दे में भी काम करूँ, वहाँ पे मेरी हॉबी है, मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ पे भी मैं दिखूँ। जो जो लोग नहीं जानते थे मुझे, उन लोग भी जानने लगे, और जो जो लोग जाके इग्नोर करते थे वो लोग आज सेल्फी के लिए मुझे फ़ोन करते हैं, आते हैं मेरे घर तक कि मुझे क्या एक पिक्चर मिलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट एंजल ऐसा है रियलिटी शो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा है कि रियलिटी शो में जब मैं एंट्री मार रही थी वहाँ पे, तो मैं फर्स्ट थी, मुझे लगा कि ऑलरेडी सब रहेंगे, और मैं वहाँ पे अकेले बैठी हुई थी। फिर मैं वहाँ पे पहुँची ना, तो बहुत सारे लोग बाद में आने लगे, तो मैंने देखी एक से एक बढ़कर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रांस वुमेन आने लगी। फिर मैं सोच में पड़ी कि अल्लाह, ये तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो फिर मैं देखते हैं, कॉम्पिटिशन तो करना ही पड़ेगा, पीछे हट के कुछ मिलेगा नहीं। तो मैंने कॉम्पिटिशन किया, और वहाँ पर जब हमारी स्टार्टिंग हुई है, बहुत इन्जॉय की मैंने वहाँ पे, और सबके साथ में रह के मुझे गुल मिल गए हैं, उनके साथ बॉन्डिंग भी अच्छी बन गई है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जितने भी ट्रांस वुमेन थे जिससे मैं जानते भी नहीं, तो उनसे भी मुझे कुछ सीखने भी मिले हैं, और आप लोगों को भी अच्छा लगे, आप लोग देखो बहुत मज़ा आएगा, बहुत। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम जोया सिद्दीकी है, मैं मुंबई में रहती हूँ, लोखंडवाला में।
इस वेब सीरीज के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीखने मिली, कुछ नया करने मिला और इससे लोग हमें जानेंगे, मुझे ये प्राउड फील है। और इस वेब सीरीज से मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और इसके पहले मैंने बहुत सारे काम किए प्रोजेक्ट, लाइक बहुत सारे ऐसा छोटे पर्दों पर काम की मैंने और रेपिंग गिला में भी काम की, बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग हमें देख के कुछ सीखेंगे, लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे और जो हमारी कम्युनिटी इतने पीछे हैं उन्हें भी हम ये बोलेंगे डेवलप करो, एजुकेटेड बनो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश। हमारी लाइफ ये नहीं ट्रांस मतलब सिग्नल पर मांगना ट्रेनों में जाना, हमारी लाइफ में कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें लाइक रोल किस प्रकार का है, इसमें हमारा रोल ये बताया गया है कि हमारी खूबसूरती को दिखाया गया है कि हम कितनी खूबसूरत है। इसमें ये किरदार दिया गया है कि हम लाइक हम किसी से कम नहीं, हमारी खूबसूरती को लाइक हम भी एक्टिंग कर सकते हैं, हम भी मॉडलिंग कर सकते हैं, हम भी लाइफ में एक एक्ट्रेस एक मॉडल एक बड़े मतलब एक बॉलीवुड में बड़े इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता कि ट्रांस मतलब हम वही है कि हम सिग्नलों पे हम लोगों के शादियों में डांस करें। इसमें हमारी रियलिटी दिखाई गई है कि हम कितनी रियल में भी खूबसूरत होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट एंजल। हाँ, यहाँ पे जब काम के दौरान इन्जॉय किया, हमें ऐसा लगा नहीं कि हम यहाँ पे कोई काम करने आए, हमें ऐसा लगा कि हमारी फैमिलीज है, हमें बहुत सारी मस्ती की मैम से सर से। और इन लोग के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं ट्रांस मतलब ऐसा रिएक्शन करना, इनके साथ हम बैठ के खाना खाए, हमने बहुत सारी इन्जॉयमेंट किया मस्ती की, हमें ऐसा लगा नहीं कि हम डिफरेंस है, हमें ऐसा लगा कि हम सब एक हैं, जो इनकी इज्जत मिली हमें बहुत अच्छा लगा। लाइफ में पहली बार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब ऐसा लगा सब कुछ से एक फैमिली के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, लाइक बोलते ना कि कैसे कैसे लोग सोचते थे, बट यहाँ पे जब एजुकेटेड लोग मिले, जब इनसे हमने कंधे से कंधा मिला, जब हमें मालूम पड़ा, तो ऐसा लगा कि यार लाइफ में हम और कुछ भी कर सकते हैं, हमारे इतना टैलेंट है हम कब दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि मास टीवी में और अच्छा बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म दे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे, हमारी मूवीज़ दें, हमारी पिक्चर्स, हम लाइफ में और आगे बढ़े, लोग हमें जाने, जो हमारी कम्युनिटी के लोग पीछे बैठे हुए जो डर रहे हो भी लाइफ में आगे बढ़े। क्या कुछ कहना चाहेंगे सिनेमा के माध्यम से या मूवी के मैं ये कहना चाहूँगी दर्शकों से, समाज से, सोसाइटी से, उनके पेरेंट्स से कि प्लीज़ अपने बच्चों को एक्सेप्ट करना सीखो, अपने अच्छी एजुकेशन दो और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की सपोर्ट करो, उन्हें क्या पसंद है आप उसमें जाओ, उन्हें ये ज़बरदस्ती मत करो कि तू ऐसे करेगी तो हमारी सोसाइटी में ऐसे, उन्हें सपोर्ट करो, उन्हें लाइफ में आगे उनको सपोर्ट आप करोगे तो ही लाइफ में आगे जा सकते हैं। हमारे भी पेरेंट्स ने स्टार्टिंग, बिकॉज मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, हमारे भी पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ी हमें कि लाइक फ्रेंड्स ना एक्सेप्ट करना, सिस्टर की शादी नहीं होगी कि लोगों को मालूम पड़ेगा कि हमारे घर में एक किन्नर पैदा हुआ है, ऐसी बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम ने क्रिएट किए। फिर उसके बाद दी एंड आज हम इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, अभी फैमिली भी एक्सेप्ट कर रही, सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर रही, समाज भी एक्सेप्ट कर रही है। बट क्यों परेशान होना है, इंसान हम भी तो इंसान ही है ना, हम तो ऐसा थोड़ी कि हम कुछ जानवर हैं, हम घर में ऐसी हरकत, हम भी तो इंसान है ना, हमारी भी फीलिंग है, जो हमें पसंद है हमने अपने आप को एक्सेप्ट किया ना, तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, समाज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। हमारी पूरी लाइक फैमिली में हम लोग 9 लोग ने काम किया, सब प्रोजेक्ट सब खूबसूरत थे, सब अच्छे थे। इसमें लाइक कंपटीशन भी है, देखो जो अच्छा किया होगा जनता देगी, उन्हें उठ देगी, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। हम चाहते हैं आज हमने 9 के आगे चल के और लाइक हमारी बहुत बड़ी टीम बन जाए, हम एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट करें, लाइफ में आगे बढ़े, मास टीवी के दौरान लोग हमें जाने। मैं दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगी कि जो ट्रांस कम्युनिटी उन्हें आप सपोर्ट करो, उनकी आप रिस्पेक्ट करो और अपने सोसाइटी अपने फैमिली को भी रिस्पेक्ट करने, बस मेरी ये अपील है कि हम भी सब एक हैं, हम भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं,
हम किसी से कम नहीं। तो फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं ये खाली मोबाइल में अकेले नहीं नहीं फैमिली आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। और इसमें हमने इतनी सारी मस्ती की, इतने अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं, हम इतने अच्छे अच्छे वॉक किए ना, आपको देखिए सीखने में लगे वॉक ही। हमने एक बोलते हैं ऐसे लगे रियल में कोई मॉडल वॉक कर रही है, ऐसा हमने इसमें रोल प्ले किया। इसमें कुछ ऐसा नहीं जो हम फैमिली के साथ बैठ कर, इसमें इतने अच्छे अच्छे ऐसा कुछ बैड मैनर्स भी नहीं कि हमने कुछ ऐसे हरकत की जो लोग बोले नहीं लोग ऐसे ही कर सकते। इसमें सब बताया गया वी आर नॉर्मल, वी आर एवरीवन कॉमन, नाच गाना और फैन। हाँ हालांकि किसे शादी की वीडियो शूट होते हैं वैसे इसमें पूरा बताया गया कि हम भी हमारी लाइफ में कितना खुश है। मोस्ट वेलकम सर।